और मैंने दिन रात मेहनत की है, और मैंने डोर टू डोर जाके मेहनत की और अल्लाह पाक ने उसका सिला दिया मुझे। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज गवर्नमेंट सेक्टर में 20वें स्केल का जो बंदा है उसकी उतनी सैलरी नहीं है, शायद मेरी उससे डबल सैलरी है। पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद, और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने लेके आई है, तो अगर मैं इनका तारफ़ कराऊं तो डिस्ट्रिक्ट पाकपतन तहसील आरीवाला में ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन इनसे मिलने का मतलब और इनका इंटरव्यू करने का जो हमारा बेसिक मकसद है वो है कि मैं कामयाब कैसे हुआ। आज के प्रोग्राम का मौजू मैं कामयाब कैसे हुआ से हम आगाज़ करते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब महबूब साहब, और इनसे जानेंगे कि इन्होंने बड़ी कम उम्र के अंदर, थोड़ी उम्र के अंदर इतना जो रुतबा लिया और माशाल्लाह इतनी स्ट्रगल के बाद ये जिस मकाम पर पहुंचे हैं ये कैसे पहुंचे हैं। इनकी ज़िंदगी का जो एक ख़ास हिस्सा अपनी जो है ना वो लाइफ को सेट करने में गुजरा है, उन्होंने क्या मेहनत की जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया, अपना कैरियर का स्टार्ट कहाँ से लिया और आज ये किस मकाम पे खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नमो भाई, कैसे हैं आप? जी आप करिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपने कीमती टाइम से टाइम दिया। हमारी टीम को पता चला कि डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के अंदर एक कम उम्र नौजवान जिनका नाम मोहम्मद महबूब साहब है, वो बड़ी कम उम्र के अंदर अल्लाह ने उन्हें बड़ा रुतबा दिया माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है और थोड़ी सी उम्र के अंदर आपने ये जो इतना मकाम हासिल किया और अल्लाह ने बड़ी आपको जो लग्जरी ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया, फिर अपना तारफ़ करवाइए हमारे नाज़रीन को कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। जी शुक्रिया। मेरा नाम जी महबूब है जी, और आरीवाला के साथ बिल्कुल पाकपतन रोड पे 4 किलोमीटर पे वाकया मेरा गाँव है जी, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और जो प्राइमरी एजुकेशन है बेसिक, वो मैंने अपने गाँव से हासिल की है। उसके बाद फिर मैं शहर आ गया, तो गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने डीकॉम गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से किया, और बाद में मैंने ग्रेजुएशन और से की सीएटी से। 2010 में मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की, उसके बाद मुझे मैं फिर जॉब तलाश करना शुरू कर दी मैंने। तो जॉब तलाश करते करते मुझे मेरे एक दोस्त हैं तो उन्होंने EFU के बारे में बताया कि यहाँ पर एक अच्छा अदारा बना है, EFU लाइफ इंश्योरेंस है और वो लोगों को प्रोटेक्ट करता है। तो मैं उससे मुतासर होकर मिलने के लिए यहाँ पे ऑफिस में आया, तो यहाँ पे इंटरव्यूज़ हो रहे थे, तो मैं यहाँ पे एहसान तालिम है मेरे बॉस हैं, तो उनसे मिला। उन्होंने मुझे फिर सारा डिटेल से ब्रीफ किया, कैरियर के हवाले से समझाया कि कैसा कैरियर है कैसा नहीं कैरियर है। तो मैं EFU को मैंने ज्वाइन किया 30 मई 2011 को। 30 मई 2011 को EFU को मैंने ज्वाइन किया। EFU ज्वाइन करने के बाद मैंने ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो नहीं पूरी की EFU के प्लेटफॉर्म पे होते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, मेहनत का और अल्लाह पाक ने रिवार्ड दिया, सिला दिया, और अल्लाह पाक का शुक्र है आज EFU में पाकिस्तान लेवल पे एक मेरा नाम है। महबूब भाई, आपका ताल्लुक एक मिडिल घराने से था, छोटे से गांव पसमानदा गांव से निकल के आप यहाँ पहुँचे हैं शहर के अंदर, तो आप EFU ज्वाइन करने के बाद ऐसी कौन सी मेहनत थी जो आपने बहुत कम अरसे में ये इतना सफ़र तय किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह EFU ने आपको बड़ा मकाम दिया है? हम सब उसमें एक दो चीज़ें हैं कि जब आप मेहनत करते हैं ना, मेहनत करके सिला अल्लाह पाक की ज़ात पर छोड़ दें, किसी को दिखावे के लिए ना दिखाएं, तो वो अल्लाह पाक की ज़ात आपको उसका रिवार्ड ज़रूर देती है, सिला ज़रूर। मैंने दिन रात मेहनत की है और मैंने डोर टू डोर जाके मेहनत की और अल्लाह पाक ने उसका सिला दिया मुझे, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज गवर्नमेंट सेक्टर में 20वें स्केल का जो बंदा है उसकी उतनी सैलरी नहीं है, शायद मेरी उससे डबल सैलरी है और जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ। और मैंने अपना घर बनाया, एक लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार रहा हूँ। मेरे पास एक मुझे EFU ने गाड़ी दी, एक पास मेरे पास अपनी ज़ाती गाड़ी है, ठीक है, 1800 CC है, और एक अच्छा लाइफस्टाइल जो मेरा है, और मैं समझता हूँ कि जो मेरा लाइफस्टाइल है कि शायद वो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे हासिल की हैं 31 ईयर की उम्र में, कभी सोचा भी नहीं, शायद लोगों को 60 साल की उम्र में मिल जाती है, ठीक है। और ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है और मेरे जो सीनियर्स हैं उनका सारा रोल है इसमें, और बाकी कोई भी है, बाकी इंसान की लक होती है, जब बंदा पॉजिटिव होता है ना तो अल्लाह पाक खुद खुद रास्ते निकाल देता है। महबूब भाई, एक मुहावरा सुना होगा कि औरत अपनी उम्र और मर्द जो है वो अपनी सैलरी नहीं बताता। जी जी, तो आप बताइए कि आप इस वक्त कितनी अर्निंग कर रहे हैं यहाँ से? हम सब आप इमेजिन करेंगे कि मैं जब यहाँ पे EFU में आया ना, तो मैं 10,000 सैलरी पे आया था, 10,000 रुपये,
ये 30 मई 2011 की बात सर, 11 में 10,000 की वैल्यू कितनी थी आज के हिसाब से? आज के हिसाब से बस यही लगा लें को 30,000 होगी। ठीक है, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज मेरा जो पैकेज है वो आप इमेजिन करेंगे कि तकरीबन 4.25 लाख के माशाल्लाह जो मैं यहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो टैक्स पे कर रहा हूँ ना गवर्नमेंट को, शायद गवर्नमेंट सेक्टर में 15वें स्केल का बंदा उतनी सैलरी ले रहा है जितना मैं मंथली टैक्स पे कर रहा हूँ। मोहतरम, आप पिंडल घराने से निकले हैं, पढ़े हैं, माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं, अपने घर को कितना चेंज किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो घर है ना अभी तकरीबन 2 कनाल में मेरा घर है। माशाल्लाह, पहले कितना था? पहले 5 मरले में था। अच्छा, अब 2 कनाल में? अब 2 कनाल का मेरा घर है। ठीक है, और 2 कनाल में मेरा घर है, और माशाल्लाह जो ख्वाहिशात थी ना कि ये चीज़ घर में बनानी है, वो सारा कुछ बनाया है। और हमें पता है चला है कि आप माशाल्लाह यहाँ से निकले हैं और आपको EFU ने दुनिया घूमने का मौका दिया है। जी जी बिल्कुल। कितने मुल्क देखे हैं आपने? बहुत सारी दुनिया देखी। एक छोटे से अंदाजे के मुताबिक आपने कितने मुल्क घूम लिए होंगे, जो हम बता सकें कि आपने इतनी छोटी उम्र में सिर्फ ये मकाम नहीं लिया बल्कि आधी दुनिया देख ली आपने? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है। मैं कंपनी के प्लेटफॉर्म से मैंने बैंकॉक, पताया, उसके अलावा फुकेट, उसके अलावा मैं कोलमपुर, जेंटिंग, सिंगापुर, KSA, इसके अलावा और भी डेस्टिनेशन हैं जहाँ पर मैं EFU के प्लेटफॉर्म से होके आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि सबसे खुशी की बात यह है कि मैं 2018 में अपनी फैमिली के साथ हज भी करके आया हूँ। हमें पता चला था कि आपने जो है ना वो अपनी अनमैरिड लाइफ के अंदर ही हज की सादत हासिल की। जी जी, ये अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। तो ये आपने अपने इनकम से किया या EFU के द्वारा? नहीं, मैंने अपनी इनकम से किया। इनकम से किया? अपनी इनकम से किया। हाँ, विद फैमिली गए? विद फैमिली गया हूँ हज पे और हज करके आया हूँ, और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। हाफिज़ साहब, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कोई ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो मेरी पूरी ना हो, बाकी रहेगी जो बाकी रहेगी, अब पीछे कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो मुझे नहीं रहेगी। अल्लाह पाक का शुक्र है कि बड़ा ही अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने इतना नवाजा है ना कि मैं आप उसका जितना भी शुक्र अदा करूँ काम है, जितना भी शुक्र अदा करूँ। सोशल मीडिया के ऊपर हम आए रोज़ आपकी तस्वीरें देखते हैं, जिस वजह से हम आप पास पहुँचे हैं कि आप कभी लाहौर किसी मिनिस्टर के पास बैठे हुए हैं, किसी ब्यूरोक्रेट के पास बैठे हुए हैं, इसकी वजह क्या है, इतना ताल्लुक कैसे डेवलप हुआ? बस ये EFU में आके कॉन्फिडेंस में बिल्ड हुआ जी। बिल्ड होने के बाद फिर ये काम शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी मेरी क्लाइंटेज है, मेरे ब्यूरोक्रेसी में DMG ग्रुप्स के लोग क्लाइंट्स हैं, मेरे पुलिस सर्विस ग्रुप के क्लाइंट्स हैं, मेरे बिजनेस कम्यूनिटी के, मेरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेरे पूरी दुनिया में क्लाइंट्स हैं। ठीक है, और बस ये EFU में आके सीखा, और सीखने के बाद अल्लाह पाक का शुक्र है आज पाकिस्तान के जिस लेवल पे चाहे मैं काम निकलवा सकता हूँ, जिस लेवल पे भी चाहे। मोहतरम, हर बंदे के पीछे उसकी मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा हाथ होता है जो उसको एक मकाम तक लेके जाता है, आपके पीछे कौन था? हाँ, उसमें सबसे पहले ना मैं समझता हूँ मेरे वालदैन की दुआएं। वालदैन की दुआएं बेशक। मेरे वालदैन की दुआएं हैं, माशाल्लाह हयात हैं। हाँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, माशाल्लाह सेहतमंद है, हयात है। और उसके बाद मेरे जो सीनियर है उसमें एहसान तालिब साहब है ना, उसका मेरे बड़ा अच्छा कोऑपरेटर है, मेरे बॉस भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और मिलके हमने काम किया, उन्होंने मैं और एहसान तालिब साहब ने मिलके काम किया, और बड़ी दूर तक हम गए हैं, बड़ी दूर तक सफ़र भी किया काम करने के हवाले से। और अल्लाह पाक का शुक्र आज भी अच्छी, वो भी अच्छे डेजिग्नेशन पर बैठे हुए हैं, ग्रुप मैनेजर हैं EFU में, और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे वालदन के बाद अगर मेरा किसी से साथ प्रमोट किया तो मैं एहसान तालिब साहब। महबूब भाई, आपने ज़िंदगी में कभी बिजनेस नहीं किया होगा, सबसे पहला एक्सपीरियंस EFU ने आपको प्रमोट किया है। जी जी, क्या कोई साइड बिजनेस भी चला रहे हैं साहब? जी, अल्लाह पाक का शुक्र है, EFU से कमा के जी अब मेरे पास 2-3 बिजनेस हैं, डेयरी का बिजनेस है मेरा, उसके अलावा मैंने एग्रीकल्चर की है, ठीक है, ज़िम्मेदार है मेरे पास जी जी, और उसके अलावा कुछ और भी है जो है, मैं इन्वेस्ट करता रहता हूँ कहीं ना कहीं पे, मेरा अपना गौसिया मीडिया ट्रेडर्स के नाम से है, और वो भी है मेरा बिज़नेस। तो ये EFU से हट के जो मेरे बिज़नेस हैं, इन जो मैंने EFU से रनिंग करके वो बिजनेस अपने रन किए हैं। मैंने और आपने एक अपनी इब्तदाई तलीम के अंदर पढ़ा है कि जो बंदा वक्त की कदर करता है वो हमेशा कामयाब होता है। आप अपने लाइफस्टाइल को वक्त कैसे डिवाइड करते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, दफ्तर कितने बजे पहुंचते हैं? अब सब दो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक दो चीज़ें ज़िंदगी में ख्याल रखना कि अगर आप ना ज़िंदगी में मेहनत करने का जो टाइम है ना, वक्त है जी, वो
जो है ना 35 साल से पहले पहले है, 40 साल तक कुछ बनना चाहते हो तो बन जाए, बन जाए। उसके बाद फिर अगर कहेंगे ना, फिर वो ना वो बातें होती हैं, बातें होती हैं। जो बंदे की 25 से लेकर 40 साल की उम्र होती है ना, ये बंदे को आपको पता है सेहत भी ठीक होती है, सारे मामला भी, जो बंदा चाहे कर सकता है वो करने करने कर, करने वालों के लिए जो है कोई उज़र नहीं, और ना करने वालों के उज़र बेशुमार होते हैं, हज़ारों उज़र होते हैं, हज़ारों उज़र होते हैं। तो ये अल्लाह पाक का कर्म है, दुआएं। जो आना चाहो तो हज़ार रास्ते, ना आना चाहो तो उज़र लाख, उज़र लाख हो, यही है। महबूब भाई, हमने बहुत से लोग देखे हैं मुआशरे में, जब वो तरक्की पाते हैं तो वो पहले अपना गाँव छोड़ते हैं, अपना मोहल्ला छोड़ते हैं, शहर छोड़ते हैं। आपने माशाल्लाह बड़ी अर्निंग की, बड़ी तरक्की की है, आपने अपना गाँव क्यों नहीं छोड़ा? मेरे पास है ना जी हाफ सब, शहर में भी प्लॉट्स हैं जी, मैं घर बना सकता हूँ, सारा मेरे पास इधर पड़े हैं, लेकिन मेरे मुझे अपने गांव से मोहब्बत है, वो उस मिट्टी से उस जगह से मेरा नहीं दिल कर रहा। अब मेरा गांव भी बिल्कुल शहर के करीब है जी, 5 मिनट की मुसाफत पे है। मैं डेली शाम को नीलीबर क्लब आता हूँ गेम करने के लिए, मैं अपने गाँव से आता हूँ, ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। नहीं बिल्कुल नहीं। शॉपिंग करने कहाँ जाते हैं? शॉपिंग करने आरीवाला में, आरीवाला से साहिबा या लाहौर का चक्कर लग जाता है, फिर लाहौर से कर लेते हैं। बाकी इतना वो शॉपिंग का मुझे शौक़ नहीं है, ना ही मैं कभी इतना शौकीन आदमी हूँ, बस ये कि सादगी पसंद बंदे हैं और अल्लाह पाक का शुक्र है कि बस ठीक है, अपने मामलात को काम को डिवाइड करके चलते हैं वक्त के हिसाब से, किस तरह से किस तरह से नहीं। जब आपने EFQ स्टार्ट किया तो आप क्लाइंट को घर जाके मिलते रहे हैं, दिन रातें किया हुआ था जी जी। आज क्लाइंट को कैसे मिलते हैं? आज स्टाइल वो नहीं है। क्या स्टाइल है, क्या आज अगर किसी को मिलना होता है ना क्लाइंट को जी, तो पहले पहले और था कि सोर्सेज नहीं थे, मामला नहीं थे, अप्रोच नहीं थी। अब अल्लाह पाक ने कॉन्फिडेंस भी दिया, अप्रोच भी है, हर कुछ चीज़ है। अब ये कि कहीं किसी कहीं पर खाने का टाइम बना लेते हैं, बहाना होता है ना मुलाकात का, ठीक है, कहीं हाइडी का प्रोग्राम बना लिया, कहीं क्लब में इकट्ठे हो गए बैठ के, स्टाइल चेंज कर लिया, तरीका चेंज कर लिया। और जब आप बड़ी मार्केट में जाते हैं ना, बड़े लोगों से मिलते हैं, तो फिर उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स ही और होती हैं, उनको मिलने के लिए उस लेवल पे जाना पड़ता है। हमने, हमारी टीम ने, हमारे सोर्सेज से पता चला है कि आपके पास जो है ना वो मिलियन डॉलर राउंड टेबल की मेंबरशिप भी है, छोटे से शहर में रहते हुए ये कैसे हासिल किया? ये अल्लाह पाक का खास करम है मुझ पर। ये जो MDRT है, ये हर साल इसकी एक मीटिंग होती है USA में, और जो MDRT ये स्पॉन्सर करती है लोगों को, और मेरे पास ये तकरीबन 2014 से इसकी मैं लगातार मेंबरशिप ले रहा हूँ। कितनी दफ़ा जा चुके हैं इनकी मीटिंग के अंदर? मेंबरशिप ले रहा हूँ मैं इनकी मीटिंग में, एक दफ़ा जा चुका हूँ। तो EFU ने आपको आज तक कितने ऐसे अवार्डों से नवाजा है जो आपके पास मौजूद हैं और जिनकी आप अगर सिंपल अकाउंटिंग कर सकें अंदाजे के मुताबिक? इसमें ना सबसे जो EFU का टॉप का अवार्ड वो फैल्कन क्लब की मेम्बरशिप थी, फैल्कन क्लब। इसकी ओवरसीज मीटिंग होती है हर साल, स्ट्रेटजी मीटिंग होती है। तो 2017 में मैंने पहली दफ़ा, 18 में बल्कि मैंने पहली दफ़ा फैल्कन क्लब की मेंबरशिप हासिल की है, और जो फैल्कन का अवार्ड है वो मुझे मरीना बे सैंड, मरीना बे सैंड सिंगापुर में जी, दुनिया का सबसे महंगा होटल वहाँ जाके मिला, वहाँ पर जाके मिला। और मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है कि मैं 3 नाइट वहाँ पे मेरा स्टे था। जब आप सिंगापुर में किसी आउट ऑफ सिटी जाते हैं या आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, लोग वहाँ जाके अपने छोटे से शहर का नाम लेना अक्सर पसंद नहीं करते, कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से, लाहौर से हूँ, मैं इस्लामाबाद से हूँ, तो आप अपना तारफ आउट ऑफ कंट्री जाके अपने शहर का कैसे करवाते रहे? नहीं जो मैं अपना शहर तो अपना शहर, मैं तो अपने गाँव का भी करवाता हूँ। अच्छा, बड़े अच्छे लोग हैं मेरे गाँव के, बड़े कोऑपरेटिव किस्म, मतलब आप बताते हैं कि मैं गाँव से हूँ, मेरे पढ़े लिखे लोग हैं हमारे गाँव के, कोऑपरेटिव किस्म के लोग हैं, और माशाल्लाह जितने भी यूथ हैं हमारे गाँव के नौजवान सारे अपने कारोबार वगैरह करें, और माशाल्लाह हमारा बहुत बड़ा गांव है, तो मैं तो अपने गांव का भी तारफ करवाता हूँ, कभी ये नहीं किया, गुमान नहीं किया कि ये नहीं है। आरीवाला तो आरीवाला है ना, ये तो बड़ा स्टेट है, मैं तो अपने गांव का भी तारफ करूँ। माशाल्लाह महबूब भाई, आप EFU में एक अरसा गुजार चुके हैं, अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने आपको कभी बड़ी ऑफर करवाई होगी हमारे पास आज? जी हाँ सर, बड़ी ऑफर्स हैं, आज भी है मेरे पास, डेली बेसिस पे आती हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। क्या सोच के इग्नोर करते हैं? बस मुझे कोई मसला नहीं है यहाँ पे, मेरे सीनियर मेरे साथ बड़े कोऑपरेटिव हैं, यानी कि आप अपनी बेस छोड़ना नहीं चाहते, जिन्होंने आपको एक मकाम दिया है, मकाम दिया, बेस लविंग है मेरे साथ, मुझे कोई मसला नहीं है, मेरी डिमांड सारी EFU पूरी कर रही, या तो मुझे यहाँ से कोई मसला हो, मेरी डिमांड पूरी कर रही, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी आप जब कंपनियाँ छोड़ के जाते हैं ना, फिर आप भगौड़े हो जाते हैं, फिर आपका एक स्टेटस नहीं रह जाता, स्टेटस नहीं है, ठीक है। जब पत्थर अपनी जगह से अटकता है ना, तो फिर वो दोबारा नहीं आता, फिर वो बह जाता है, ठीक है, फिर बातें सुनने को मिलती हैं,
तो बस ठीक है, जो अल्लाह का शुक्र है मुझे जो भी ये, फिर मुझे मेरी सारी जो है वो ख्वाहिशात पूरी कर रही है, मुझे मेडिकल की मद में दे रहे हैं, मुझे हर चीज़ सूलते हैं, मेरे फैसिलिटेट कर रही है, तो मेरी ज़रूरत नहीं है। मुझे गाड़ी दी हुई है फ्यू ने, ठीक है, मैं उसका पेट्रोल मुझे दे रहे हैं, मुझे असिस्टेंट दिया हुआ है, उसकी सैलरी मुझे दे रहे हैं। छुट्टी कैसे इन्जॉय करते हैं? छुट्टी सो के? छुट्टी नहीं, मैं इतने सोने का शौकीन भी नहीं हूँ। अच्छा। काम करने वाले जो बंदे होते हैं ना, वो उनको ना घर में चैन नहीं होता, नहीं होता, कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है निकलने का। छुट्टी वाले दिन भी निकल आते हैं, कहीं ना कहीं किसी के पास बैठे गपशप लगाई, गपशप करते करते अपना काम भी कर लिया। मोहतरम, हमारे आज का प्रोग्राम मैं कामयाब कैसे हुआ, आप कामयाब कैसे हो, ये आपने डिटेल बताई हमें। मकसद जो लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान के नौजवान यंग जनरेशन जो आजकल इसी तगो दौ में लगी है कि मैं कामयाब हो जाऊं, कुछ करना भी ना पड़े, उनके नाम कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके नाम यही पैगाम है कि वक्त जो है ना एक जैसा नहीं रहता, नहीं रहता वक्त एक जैसा नहीं रहता। जब वो कहते हैं ना कि जब बंदा सोच ले, ठान ले ना करने की, तो दुनिया का कोई काम भी नामुमकिन नहीं है, नहीं रहता, ठीक है। जब आप सोच लेना कि मैंने ये करना है, तो वो हो जाता है। जब करने लग पड़ते हैं ना, तो फिर अल्लाह पाक भी रास्ते बनाने शुरू करता है। अब देखिए कि मैं यहाँ पे अपने गांव से शुरू हुआ, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि यार मेरे पास इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ, इतने इतने बड़ा मेरा इतना बड़ा घर होगा, मेरे पास इतनी आसाइशें होंगी। अल्लाह पाक का शुक्र, हाफिज़ साहब जो दिल करता है ना, जो चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो लाखों में क्यों नहीं, मैं उसी टाइम खरीद लेता, मैं परचेज़ कर लेता हूँ ये। और मैं यही जवानों को पैगाम दूंगा कि मेहनत करें, मेहनत करके सिर्फ अल्लाह पाक के पीछे छोड़ दें, शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल भी ना आए, और देखें इंशाल्लाह आप फिर देखें उसका कर्म, फिर आप कैसे वो नवाजता है, कैसे कर्म करता है। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आज का हमारा मौजू था मैं कामयाब कैसे हुआ। आज के हमारे जो मेहमान खसूसी थे मोहतरम जनाब मोहम्मद महबूब साहब, जिन्होंने अपनी एक लंबी लाइफ को मुख्तसर वक्त के अंदर हमें ब्रीफ किया, बताया कि मैं कामयाब कैसे हुआ। इनकी कामयाबी के पीछे माशाल्लाह इनकी वालदैन की दुआएं, इनके साथजा की मेहनत और इनकी अनथक मेहनत भी मौजूद थी। इंशाल्लाह वॉइस ऑफ पंजाब की टीम बहुत जल्द पाकिस्तान के पंजाब के एक नए कामयाब नौजवान के साथ आपकी मुलाकात करवाएगी। उसके लिए जुड़े रहे वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। कैमरामैन अजान सेठी के साथ हाफिज़ खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। चल बंदे तू अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। भीड़ चाल ना चल बंदे तू अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है कल तेरा सवेरा आएगा, खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा। हुआ गुलामी का दौर रुखसत, हुआ गुलामी का दौर रुखसत, ये सुबह बदलो ये शाम बदलो, निजाम बदलो।